प्रभावी संपादन के संदर्भ में आज हमारे मार्गदर्शन निमित्त पधारे हित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति अध्यक्ष महोदय मंच में उपस्थित सीजो मैडम, डिस्ट्रिक्ट मेंबर कोऑर्डिनेटर और एक बार हमारा दीप प्रज्वलन करने के लिए एक मिनट भैया सर आप उधर सामने अभी अपने मोबाइल बंद करना है, थोड़ा सा पीछे बंद कर दीजिए प्लीज, पीछे परीक्षा संचालन समिति द्वारा मैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उपस्थित समस्त आईएएस ऑफिसर्स, आरपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स का अभी आपको उन समस्त बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा जहां पर वेरिफिकेशन होने की संभावना है या होता है, तो कृपया आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग यानी यहां अंदर ही रहेंगे, डेढ़ घंटा या दो घंटा अधिकतम सेशन है, आप टाइमिंग जो दिया जा रहा है उसको नोट करें। ब्लॉक वाइज और जिला मुख्यालय पर और या हाईवे जो इजी अप्रोच है ऐसे स्कूलों को बोर्ड ने स्वयं चिन्हित किया है, हमसे पूरे जिले की जीपीएस लगा करके जो सूचना स्टेटरी होती है ज्योग्राफिकल स्थिति में होती है बोर्ड ने प्राप्त करी और उन्होंने अपने मेजरमेंट से केंद्र का चयन किया। केंद्रों पर 67 केंद्र अधीक्षक, निजी शिक्षण संस्थाओं जहाँ पर परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं वहाँ पर राजपत्रित स्तर के यानी प्रधानाचार्य से नीचे नहीं के प्रिंसिपल्स को हमने एडिशनल वहां का केंद्र अधीक्षक बनाया है। तीसरा इसमें है पेपर कोऑर्डिनेटर, चौथी व्यवस्था है केंद्र पर्यवेक्षक। केंद्र पर्यवेक्षक 67 ही है, प्रत्येक केंद्र पर एक केंद्र पर्यवेक्षक रहेगा जिनकी प्रतिनियुक्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक जी पंचोली द्वारा की गई है। आपको जो फॉर्मेट दिया गया है आपको वेट वॉच और इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन रखना है, वेरिएशन नहीं हो, वेरिएशन होने की स्थिति में सीएस को बताएं और सीएस को बताकर उसको करेक्ट करें, यानी इट शुड नॉट बी बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों ऑप्शंस के बीच में आलोचना प्रतिक्रिया का समय नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ठीक कराना है, अगर आपको लगता है तुरंत कॉल करें। तीसरी स्थिति है अपना इसमें जो महत्वपूर्ण है पेपर कोऑर्डिनेटर, पेपर कोऑर्डिनेटर्स की व्यवस्था पेपर को सुगम सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए की जाती है, इसके लिए हमने प्रधानाचार्य जो सीनियर ऑफिसर्स हैं शिक्षा विभाग के उनके नेतृत्व में 17 रूट बनाए हैं और प्रत्येक रूट पर पेपर कोऑर्डिनेटर्स निर्धारित तिथि समय स्थान से जिला मुख्यालय से प्रश्न पत्र गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे। आपको जो समय दिया गया है टाइम और टेन्यू दिया गया है उस अवधि में आप केंद्र पर पहुंचेंगे, जो सामग्री दी गई है आप ले जाते समय यहाँ से भी प्राप्त करेंगे, हम प्राप्ति लेंगे और वहां से देने से पहले भी जो केंद्र अधीक्षक है उनकी प्राप्ति लेंगे जो जो कॉलम है। महत्वपूर्ण बात यह है पेपर वितरण में आपको अत्यधिक सावचेत रहना है, आप पहले से हम एक शीट देंगे डिलीवर पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड द कंक्लूजन मैटर विद देयर ओन कॉस्ट विद द सिंसियरिटी डिग्निटी विदाउट एनी वेरिएशन। पेपर कोऑर्डिनेटर के पावन किया जाता है कि पेपर कोऑर्डिनेटर द्वारा पैकेट दिया जा रहा है साक्षात प्रिंसिपल के चैंबर तक जाएगा जहाँ प्रश्न पत्र रखा जा रहा है, अलमारी में रखना है, लॉक कराना है, चाबी सीएस के जेब में हो, उसके बाद अगले सेंटर में मूवमेंट करें, यानी वहां पर जो केंद्र परीक्षक होगा तुरंत चेक कर लीजिए किसी आदमी के पास सप्लीमेंट फोन तो नहीं है अंदर, जब आप बोलिए कोऑपरेट प्रैक्टिस करने तक केंद्र परीक्षक का परीक्षक कराओ और जैसे ही इसको खोलते टेबल पे वीडियोग्राफी होगी तो वीडियोग्राफी होने से पहले प्रश्न